ये देखो कितना टेस्टी डोसा, ये तो मन ही नहीं भरा। चलो मैं पापा को जाकर बता देती हूँ कि ऐसे ही और टेस्टी टेस्टी मसालेदार डोसा बना दे मेरे लिए। देखो पापा ने ना अभी ना प्लेन डोसा बना रहे, देखो कितने धीमे हाथ आ रहे है डोसा। गोल गोल सा डोसा हमें बनाना है और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये क्रिस्पी हो जाए, ब्राउन सा क्रिस्पी। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पापा ने भी कितना अच्छा किया है। इसको हम तब तक रखेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और ये तो कितना क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखो हमारा डोसा क्रिस्पी क्रिस्पी और ब्राउन हो गया है। अभी ना पापा ना आलू मसाले डाल देंगे, देखो कितना मसालेदार स्वादिष्ट भी। अभी ना पापा इसे एक साइड से फोल्ड कर देंगे और ऐसा ही दूसरे साइड से भी फोल्ड कर देंगे। देखो अभी हमारा डोसा बनकर रेडी हो गया है, अभी हम इसको सर्व कर देंगे। देखो हमारा डोसा रेडी हो गया है और मैंने इसको सर्व भी कर लिया है। कितना सुंदर दिख रहा है ना, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ऐसे ही रेसिपीज के लिए कुक विद भवानी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू।